चाहे हरियाणा की बात कर ले या पूरे ही देश की बात कर ले, त्योहारी सीजन है और त्योहारों के जश्न में जैसे लोग कोरोना को भूल ही गए हो और इसके बाद कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिला है। त्योहारी सीजन में भले ही कोरोना का ग्रहण लगा रहा, लेकिन त्योहारों के जोश में लापरवाही की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी रही कि जोश में आखिर होश रहता कहाँ है। वहीं कोरोना के ताजा आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार सामने आया है। वहीं फरीदाबाद में कोरोना ब्लास्ट हुआ है, जहां 648 केस आए हैं। गुरुग्राम में भी कोरोना के ताजा आंकड़े 500 के पार यानी कि 540 दर्ज किए गए। सोनीपत में 134, हिसार में 56, अम्बाला में 42 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं करनाल में 35, पानीपत में 52, रोहतक में 58, रेवाड़ी में 130 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं अन्य जिलों में भी कोरोना का कहर जारी दिखा। बात अगर पंचकुला की करें तो 53 केस आए हैं। कुरुक्षेत्र से 18, यमुनानगर से 20, सिरसा में 86 और महेंद्रगढ़ में 43 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं भिवानी में 82, झज्जर में 42, पलवल में 19, फतेहाबाद में 8, कैथल में 30, जींद में 41, नू में 4 और चरखी दादरी से 6 केस सामने आए। कुल मिलाकर ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2153 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं 4 जिलों में कोरोना का ब्लास्ट भी हुआ है। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2349 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे। लेकिन इस दौरान डराने वाले आंकड़े ये हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों में 19 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। वहीं अब हरियाणा में कुल 19,342 एक्टिव केस मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि एक तरफ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के नियमों को लेकर लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में देश को जरूरत है जागरूकता की, ताकि देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि तभी हारेगा कोरोना और जीत जाएगा इंडिया। तो जहां एक तरफ लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं लापरवाही के भी कई मामले देखने को मिल रहे हैं। कोरोना को लेकर धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जागरूक होने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि प्रशासन का सहयोग करके और एहतियात बरत कर ही कोरोना से बचा जा सकता है।